हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पीड टेस्ट करने के लिए। तो ये पिनान का पॉइंट है, एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम चढ़ते हैं दौसा की तरफ, जयपुर की तरफ चलते हैं। इस पर ये इसका एंट्री पॉइंट आ रहा है, लेकिन इधर से बंद था तो हम राइट साइड से लेके आए हैं। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद हमको एंट्री दी गई। अब हम अभी रॉन्ग साइड चल रहे हैं, इसको हम लेफ्ट साइड में आएंगे थोड़ा आगे चल के। जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा उतरने के लिए, हम लेफ्ट साइड में हो लेंगे। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसके 6 लेन के अलावा भी ये 2 लाइनें दी गई हैं। तो इनको भी हम काउंट करें तो ये 5 लेन एक तरफ हो गई, तो 5 और 5 दूसरी तरफ, तो 10 लेन का एक्सप्रेसवे हो गया ये। और बीच में जो स्पेस दिया गया है ये पेड़ पौधों के लिए दिया गया है। इसमें रंग बिरंगे फूल फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। यहाँ से निकल सकते हैं हम, राइट साइड चलते हैं। इधर लेफ्ट साइड, ये हम आ गए अब लेफ्ट साइड। अब हमारी ये प्रॉपर साइड है। हम ये स्पीड टेस्ट करेंगे जयपुर से, सॉरी पिनान ये अलवर ज़िले में एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ से दौसा तक। स्पीड लिमिट इसमें 120 है, इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते, क्योंकि 120 से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होगा। एक्सप्रेसवे देखने में एकदम शानदार है। इस पर फाइटर जेट्स को आराम से लैंड किया कराया जा सकता है। गाड़ी की स्पीड का पता ही नहीं चलता। रोड ऐसा है जैसे हम 20 की स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा शो करता है, क्योंकि बहुत अच्छा रोड है। इसमें थोड़ा कुछ जगह अभी रिपेयरिंग की है इसको शायद, तो उसकी वजह से कभी कभार गाड़ी इचकोली सी फील करती है, नहीं तो वैसे शानदार है। ये टर्न है देखो कितना शानदार, बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चल रही है इस पर। आपको पता है एक तरफ से ये घुमाव में रोड ऊंचा क्यों होता है, और जिधर घूमते उधर की साइड नीचा होता है? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। जब हम किसी अपनी वेग से घूमते हैं किसी टर्न पर, तो हमारे ऊपर 2 फोर्स काम करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल, एक बाह्य केंद्रीय बल। तो बाह्य केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम उस फोर्स के जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसको पार कर जाते हैं, तो हम बाहर जाके गिरेंगे, हमारी गाड़ी रोड से नीचे गिर जाएगी। और दोनों का बैलेंस रहेगा, अभिकेंद्रीय बाह्य केंद्रीय बल का, तो बिल्कुल हम सेंटर में टर्न लेके निकल जाएंगे। इसलिए रोड को इतना उठा दिया जाता है कि हम इतनी स्पीड से भी निकले तो हमारा अभिकेंद्रीय बल है वो बाह्य केंद्रीय बल से कम ना हो, ज़्यादा रहेगा तो हम अंदर की तरफ ही रहेंगे, तो इसलिए टर्न रखते हैं ये। अब हम पहुंच गए हैं रैणी से भी आगे आ गए, इसमें पता ही नहीं चलता। इसमें गांव के नामों के बोर्ड इसलिए नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि इसमें जब एंट्री नहीं है तो उन गांव के नामों का बोर्ड लगाने से कोई मतलब नहीं। तो एंट्री पॉइंट जहाँ हैं उससे पहले ही हमें
इंडिकेशन दिए जाते हैं कि अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है। उसके ये यहाँ एकदम ग्रीन लग रहा है, पहाड़ देख रहे हैं सामने, शानदार। इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत ये भी है कि इसको ऐसे रिमोट एरियों से निकाला गया है जहाँ पर पहले से कोई ऐसे संसाधन नहीं थे, और दूसरा उस ज़मीन से होकर निकाला गया है जहाँ पानी की कमी है, जैसे कहें कि बंजर भूमि है। अब ये बंजर भूमि सब जगह तो है नहीं, जैसे ये दिल्ली से चले हरियाणा तक नहरों की वजह से पानी खूब है। उसके बाद हम आ जाते हैं अलवर ज़िले में, तो अलवर ज़िले में ये अलवर ज़िला जहाँ गोविंदगढ़ तक लगभग है, उधर पानी की व्यवस्था ठीक है, उसके बाद पानी का संकट है। जैसे हम पिनान से एंट्री की हमने, तो यहाँ से इस एरिया में हम चले जाएंगे आगे तक, ऐसी कहीं कोई ज़मीन ऑक्यूपाइड नहीं की है जहाँ पानी हो। ये सब बिल्कुल बंजर भूमि है। बंजर भूमि बोले तो बारिश वगैरह पर ही यहाँ पर फसलें बोई जाती है, बारिश नहीं तो कुछ नहीं। जैसे अब की बार अच्छी बारिश हुई तो चने और सरसों को अच्छी खासी फसल बो रखी है आसपास हम देखते हैं तो। लेकिन ये पानी नहीं है, या बोरिंग या ट्यूबवेल्स ऐसा कुएं वगैरह नहीं है जिनके जिनमें पानी हो, हैं वो लेकिन सूखे हुए हैं, लेवल बहुत गहरा हुआ है। केंद्र सरकार चाहे तो इसी के साथ ईआरसीपी को भी ले आती थी, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट था वो भी एक शानदार हो जाता इसके साथ यदि चलता तो। लेकिन खैर छोड़ो, उस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल के काम करेंगी आने वाले दिनों में। इस क्षेत्र को भी नदियों से जोड़ा जाएगा, ईस्टर्न कैनाल योजना है ये, अच्छी है। बांदी अब ये डगडगा आने वाला है, डगडगा एक गांव है यहाँ, उसकी पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, बड़ा बोले तो क्रेन से भी नहीं उठे वो, इतना बड़ा है। लेकिन जब हवा चलती है तो वो हिलता है, डग 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 ऐसे करता है, तो इस गांव का नाम ही रख दिया डगडगा। तो वो गांव था, वो पहाड़ी की उस शिला की डगडग हिलने की आवाज़ आती थी तो उसका नाम ही डगडगा रख दिया। वो शायद आने वाला है गांव आगे, उसको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। गांव ऐसे निकल जाते हैं एक्सप्रेसवे पे तो पता ही नहीं चलता। लेकिन है ये शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही शानदार। ये जो पहाड़ी दिख रही है हमें, ये जो पहाड़ी दिख रही है यही है डगडगा। ये जो पहाड़ी अभी दिखी थी ना, यही डगडगा की पहाड़ी है। गाड़ी हमारी पूरी 120 पे है। ये देखो फूल के पौधे लगा रखे हैं यहाँ, कितना अच्छा लुक लग रहा है। और इस सामने सूर्य होने की वजह से भी दिक्कत है। ये देखो ये डगडगा की पहाड़ी है, ये जो ऊपर पत्थर की शिला रखी हुई है ये हिलती है लेकिन गिरती नहीं है। देखो कमाल की बात ये है, हवा में ये हिलती है लेकिन गिरती नहीं है, इसलिए इस गांव का नाम डगडगा रखा है। अब हम डगडगा से निकल चुके हैं, शिला हमने देख ली है। अब हम बांदीकुई को बाईपास कर रहे हैं एक तरह से, ये कर्व है ये हमें बांदीकुई से आउटर की बाहर की तरफ निकाल रहा है। ये बोर्ड लगा हुआ है जयपुर
किलोमीटर यहाँ रेस्ट एरिया बनेगा आगे, अभी बना नहीं है शायद, तो उसमें आप छोटी डिस्पेंसरी टाइप में रहेगी, फर्स्ट एड वगैरह ले सकते हैं, नाश्ता वगैरह उधर कर सकते हैं, पेट्रोल फ्यूल वगैरह ले सकते हैं। तो ऐसे हर 50 किलोमीटर पे लगभग रेस्ट एरिया बनाए गए हैं, एक तरह से फूड कोर्ट भी बोल सकते हैं उनको। इस एक्सप्रेसवे को वो भी एक शानदार लुक देते हैं, बीच में आप कहीं कुछ रुक नहीं सकते, ले नहीं सकते, फूड कोर्टों पे ही आप रुक सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, अपने इंजन को आराम दे सकते हो। अभी हम नदियों के एरिए में आ रहे हैं जहाँ पर नदियाँ बहुत है, तो इसलिए इस हाईवे में कभी ढलान है, कभी ऊंचाई है, कभी ढलान है, कभी ऊंचाई है, क्योंकि बांदीकुई के आसपास दो नदियाँ हैं, तो दो नदियों की वजह से बहुत ऊंचा नीचा हाईवे हुआ है यहाँ। इधर काम चल रहा है कुछ फिनिशिंग का, ये बोर्ड लगा हुआ है जो हमें दूरी बता रहा है कितनी कितनी दूर है। जयपुर 99 किलोमीटर है, ये देखो फिर कर्व आ गया। अब हम बांदीकुई से इधर सिकंदरा की तरफ घूम रहे हैं, मस्त घुमाव है। घुमाव पर स्पीड थोड़ा कम करके ही टर्न लेना चाहिए। ऐसे एक्सप्रेसवे के घुमाव बहुत ही शानदार है, उनको इसी हिसाब से डिजाइन किया है कि आप स्पीड को कम भी ना करो तो भी आप घूम सकते हो आराम से बगैर किसी प्रॉब्लम के। ये एक्सप्रेसवे की खासियत है, इसमें आपको